दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। इंडिया में ऐसे कई सारे मैरिज मार्केट्स हैं जहां आप पैसे देकर अपने लिए दूल्हे या फिर दुल्हन खरीद सकते हो। ये है बिहार का सौरत सभा मार्केट, जहां पे दूल्हे बिकते हैं। यस, लिटरली यहां पे लड़की के माँ बाप उनके बेटी के लिए दुल्हा खरीदने आते हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले का ये मार्केट देखो। यहाँ पर बकायदा स्टैम्प पेपर पे यानी गवर्नमेंट की परमिशन से दुल्हन रेंट पे मिल सकती है। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है, बोली लग रही है। यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगाकर। जीती जागती लड़की के लिए इस सौदे का बाकायदा कागजी करार भी होता है। 20,000 रुपए दे दिए इनको, तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दिया। Yes, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर एक महीने से लेकर एक साल तक वाइफ भाड़े पे यानी कि रेंट पे मिलती है, वो भी लीगली स्टैम्प पेपर पे साइन करके। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये ब्राइड मार्केट्स का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यू नेम इट, देश के हर एक स्टेट में आपको ऐसे ब्राइड मार्केट्स मिल ही जाएंगे। और ये इतना कंसर्निंग है कि सिर्फ हरियाणा जैसे एक राज्य में करीब 1,30,000 बहुएं ब्राइड्स इन ब्राइड मार्केट से खरीदी हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हर साल लड़कियों को किराए पर देने के लिए मंडी सजती है। यह कुप्रथा आज भी चल रही है। The shortage of women has led traffickers to sell young girls to men desperate to marry. Slave bride trade, where few women live happily ever after. एक्चुअली लास्ट वीक मेरे इंटरनेट फीड पे ये आर्टिकल सामने आया। अब पहले तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम भारत के किसी एक छोटे से गांव का हो सकता है, पर जैसे जैसे हमने इस मुद्दे पर रिसर्च करना शुरू किया, आई वॉज शॉक्ड। ये प्रॉब्लम भारत के किसी एक छोटे से गांव की नहीं है, ये पूरे भारत के कई अलग अलग राज्यों में हो रहा है। इन मार्केट्स में एक पूरी मंडी सजती है जहाँ पे दूल्हे और दुल्हनों को बोली लगाकर बेचा जाता है उनके मर्जी के खिलाफ। लेकिन एक मिनट, इन ब्राइड मार्केट्स की ऐसी भी शादीशुदा जोड़ियां हैं जो ये शादी से काफी खुश है, और इन्हीं में से कुछ कपल्स ने तो अपना एक हंसता खेलता परिवार भी बना लिया है। यह वह काजल है जिसको गरीबी के चलते इसकी सगी बहन और उसके पति ने महज 9,000 रुपए में बेच दिया है। आपकी जीजा ने क्या इसमें बदले में लिया? पैसे लेते कितना? 9,000। कई राज्यों की सरकार तक इस मुद्दे को पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रही है। 2019 में हरियाणा के सीएम ने ओपनली एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास कर दिया था। उन्होंने हरियाणा के लड़कों से कहा कि अब जब आर्टिकल 370 हट चुका है, तो अब हम कश्मीर से आपके लिए दुल्हन लेकर आएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीर की लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया। ऐसे में अब कश्मीर से भी लड़कियों को शादी के लिए लाया जा सकता है। सो आखिर ये मैरिज मार्केट सही है या गलत? आखिर क्यों लड़कों और लड़कियों को ऐसे बोली लगाकर मार्केट में बेचा जा रहा है? इन्हें खरीद कौन रहा है और शादी के बाद इनके साथ होता क्या है? लेट्स फाइंड आउट। डिड यू नो, एक और काफी मेजर प्रॉब्लम है जो सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा, इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस। स्क्रीन टाइम किस तरह से छोटे बच्चों को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, इस पर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और उनके रिजल्ट्स काफी अलार्मिंग है। एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हो चुका है कि वो बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा था, उन्होंने बाकी बच्चों के कंपेरिजन में रीडिंग, लैंग्वेज, आईसाइट और क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट में काफी पुअरली परफॉर्म किया। आज हर घर में जब भी पेरेंट्स बिजी होते हैं तो वो अपने बच्चों को फोन दे देते हैं ताकि उनके बच्चे उन्हें परेशान ना करें। लेकिन हमारी यही हैबिट बच्चों के लिए काफी हार्मफुल है। इसीलिए क्योंकि मैं खुद अपनी कजिन सिस्टर के साथ ये नहीं होने देना चाहती थी, इसी वजह से मैंने उसे गिफ्ट किए किडेल के ये म्यूजिकल बुक्स। एंड OMG, उसने इसके बाद आज तक मुझसे कभी भी फोन नहीं मांगा है। इन म्यूजिकल बुक्स का मेन एडवांटेज ये है कि ये बच्चों से बात करते हैं, यानी इसमें बच्चे क्विजेस खेल सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसमें म्यूजिक भी प्ले होता है जिससे बच्चे राइम्स, स्टोरीज वगैरह सीख सकते हैं। किडिल पर आपको नर्सरी राइम्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, एनिमल्स, होम, फोनिक्स, हैबिट्स एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जैसे काफी सारे म्यूजिकल साउंड बुक्स मिल जाएंगे। इन बुक्स को खरीदने के लिए आपको सिर्फ www.kidel123.com पर जाना है और वहां पे अपने हिसाब से बुक्स को सिलेक्ट करके बस चेकआउट कर लेना है। ऑल्सो हमने किडिल को कन्विंस किया कि वो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक 15% ऑफ का डिस्काउंट रखे, जिसे आप कूपन कोड NT15 यूज करके अवेल कर सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। मैंने सारे
सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप अपने बच्चों को किडिल गिफ्ट कर सकते हो ताकि वो एंटरटेन होते हुए कुछ सीख भी सके। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट मैरिज मार्केट्स। सो क्योंकि ये इशू अक्रॉस इंडिया होता है, इसीलिए आपको इंडिया भर में अलग अलग टाइप के मार्केट्स मिल जाएंगे ताकि आपको इजीली ये इशू समझ में आ जाए। हमने इन मार्केट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, पहला ग्रूम मार्केट जहाँ पे दूल्हे बिकते हैं और दूसरा ब्राइड मार्केट्स जहाँ पे दुल्हनें बिकती है। नाउ ये ब्राइड मार्केट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक जहाँ आप अपने लिए एक ब्राइड खरीद सकते हो और दूसरा मार्केट जहाँ पर आप ब्राइड को रेंट पे यानी कि भाड़े पे ला सकते हो महीने या फिर साल के हिसाब से। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया के नॉर्थ से। ये हरियाणा की एक दुल्हन जो 10 साल की उम्र से ही दुल्हन बनती आ रही है। इसके अब तक 4 पति रह चुके हैं लेकिन आज तक इसकी एक भी बार शादी नहीं हुई है। कितनी उम्र होगी जब आप यहाँ आए थे? 10-1 साल की। 10 साल तो कितनी जगह उसके बाद बेचे गए? 2 जगह बेचे। ये तीसरी जगह है। मोल की बहुएं या फिर पारो, ये कॉन्सेप्ट हरियाणा में काफी कॉमन है जो अक्सर खरीदी हुई दुल्हन को बुलाया जाता है। ये प्रैक्टिस वहाँ इतना कॉमन है कि आप इमेजिन करो वहाँ पर एक कैटल का प्राइस 70,000 रुपए है लेकिन एक दुल्हन की कीमत सिर्फ 4,000 रुपए है। और इसीलिए इन टोटल हरियाणा में खरीदी हुई बहुओं की संख्या आज 1.3 लाख से भी ज्यादा हो गई है। हरियाणा के बाद नॉर्थ का दूसरा सबसे फेमस ब्राइड मार्केट है राजस्थान का। ये इतना बड़ा हड़ौती रीजन का मार्केट जहां आपको ब्राइड्स 50,000 में मिल जाएंगी। पर 4,000 से सीधा 50,000 का इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? वेल, क्योंकि इन ब्राइड्स की कीमत काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे उनका स्किन का कलर क्या है, उनकी एज क्या है, उनको वर्जिन है कि वो वर्जिन नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट कितनी बार उस ब्राइड को पहले बेचा जा चुका है। लेकिन डिस्पाइट दिस प्राइस डिफरेंस, हरियाणा और राजस्थान मार्केट में एक चीज काफी कॉमन है। इन दोनों भी स्टेट्स में ब्राइड के रिक्वायरमेंट एक एजेंट, एक ब्रोकर सप्लाई करता है। सो टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया और वो खुद वहाँ के ब्रोकर से जाकर मिले, जिसमें उन्हें पता चला कि ब्रोकर्स काफी ज्यादा प्रोफेशनली इसे एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। 1 लाख में रिस्क फ्री बहू की गारंटी, ये बहू कभी भागेगी नहीं, ये एश्योरेंस है उसी हड़ौती मार्केट के एक ब्रोकर का। ऐसे आपको वहाँ पे कई सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो ये तक गारंटी देते हैं कि बहू खरीदने के बाद उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन या फिर उनके किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। इन एजेंट्स का वर्किंग भी काफी सिंपल है। हर डील में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, पहला ब्रोकर, दूसरा दूल्हे की फैमिली और तीसरा दुल्हन की फैमिली। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के उस रिपोर्ट के हिसाब से ये ब्रोकर्स एक डेटा बैंक मेंटेन करते हैं जिसमें ऐसे बैचलर्स की डिटेल्स होती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है फॉर व्हाटएवर रीजंस। इसके अलावा ब्रोकर्स उन लड़कियों का भी डेटा मेंटेन करते हैं जो इन्हें सेल की जा सकती है। फिर ये ब्रोकर उन बैचलर्स और उनकी फैमिली को सामने से अप्रोच करते हैं और उनको ऑफर देते हैं कि अगर अच्छी कीमत दोगे ना तो मनचाही बहू मिलेगी। फिर यहाँ पर लड़की वालों को भी बताया जाता है कि फलाना रिश्ता आपके लिए आया है, अगर आप हाँ बोलोगे तो आपको उस पैसे में से मैं कट दूंगा। अब एक बार लड़के और लड़की की फैमिली ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो बस झारखंड, मध्य प्रदेश, असम ऐसे काफी सारे राज्यों से ये एजेंट्स लड़कियों को राजस्थान लेकर आते हैं। लेकिन इस शादी से भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि ये शादियां किसी ट्राइब में नहीं हो रही है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन और सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोग भी अपनी लड़की की शादी खरीदी हुई ब्राइड से करवा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब एक बिजनेसमैन से बात किया तो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि सिर्फ बूंदी नाम के एक शहर में सिर्फ उसकी पहचान में ही ऐसे 25 शादियां हुई है जिसपे दुल्हन को खरीद के लाया गया है। लेकिन हाँ, इन राज्यों में जो मार्केट्स होते हैं ना वो ओपन मार्केट्स में डील नहीं करते। यहाँ मोस्ट केसेस में एजेंट्स अथॉरिटीज के नाक के नीचे से ब्राइड्स की डीलिंग करते हैं और किसी को कारोखान ज्यादा खबर नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में आओगे, स्पेशली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो वहां तो आपको ओपन ब्राइड मार्केट्स मिल जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र के अर्धापुर गांव का ये ओपन मार्केट जहाँ पे न्यूज 18 ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया था। न्यूज 18 ने ये रिवील किया कि इस गांव का एक तरह से रिवाज है कि मार्केट में सारे मर्द एक जगह पे जमा होते हैं और फिर लड़की के भाई और उसके पिता उसकी बोली लगाते हैं और अंत में लड़की उसी दूल्हे को बेची जाती है जो बस ज्यादा पैसे देता है। दैट्स इट। यानी अपनी बेटी को बेचते वक्त उसका परिवार ये तक नहीं देखता है कि वो लड़का कौन है, कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, मेरी बेटी को संभाल पाएगा या नहीं। नव महाराष्ट्र जैसे ही मध्य प्रदेश में भी काफी जगहों पे ओपन मार्केट्स लगते हैं, लेकिन इनके मार्केट्स हल्के से यूनिक है। यहाँ पर दुल्हन सिर्फ बेची नहीं जाती बल्कि भाड़े पे भी खरीदने के लिए मिलती है।
एशियन टाइम्स ने भी एमपी के शिवपुरी में एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें उन्हें पता चला कि एमपी में ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है जिसे ददीचा कहते हैं। यहाँ के मार्केट साल में सिर्फ एक ही बार लगते हैं और ये मार्केट का भी जो सेल और रेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो पुराने मार्केट जैसा ही होता है। सिर्फ दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। पहला, जैसे हमने हरियाणा और राजस्थान में देखा, यहाँ पे मोस्टली ब्रोकर्स नहीं होते हैं, लड़की के माँ बाप ही खुद डायरेक्टली लड़के वालों से डील करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे सेल्स और रेंट के ऑफिशियल अग्रीमेंट्स बनते हैं जिसमें दोनों भी पार्टीज बकायदा गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पे साइन करती है। नाउ आपने कई अग्रीमेंट्स पे 10, 50 या फिर 100 रुपए के स्टैम्प्स देखे होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपसे उतने पैसे ले रही है और उसके बदले आपको ये प्रॉमिस दे रही है कि आपका अग्रीमेंट लीगल है। नाउ जस्ट इमेजिन ये लीगल अग्रीमेंट्स पर साइन होकर बहुएं बेची जा रही है। सो ये प्रॉब्लम वहां पर किस हद तक है। इन्हीं अग्रीमेंट्स पे सारे डिटेल्स भी मेंशन होते हैं, स्पेशली पैसों के डिटेल्स। जैसे अगर आपको रेंट पे दुल्हन चाहिए तो वहाँ पर मोस्टली 15,000 से 25,000 रुपए पर मंथ में आपको रेंट पे दुल्हन मिल जाएगी, और अगर दुल्हन हमेशा के लिए खरीदनी है तो 2,00,000 के ऊपर खरीदने के लिए भी मिल जाएगी। नाउ हमने ब्राइड मार्केट्स और उसके डिफरेंट टाइप्स को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब बारी है ग्रूम मार्केट्स की, जो मोस्टली बिहार के मधुबनी एरिया में लगते हैं। यहाँ होता ऐसा है कि जिन भी लड़कों को बेचा जाना होता है वो सब यहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। लेकिन अनलाइक ब्राइड मार्केट, यहाँ पर जब लड़की वाले दूल्हे को सिलेक्ट करने आते हैं तो वो लड़के के सारे सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सब कुछ एक एक करके चेक करते हैं, जो लड़के को उन्हें दिखाने ही पड़ते हैं। लेकिन लड़का किस भाव में बिकेगा, इसके सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है उसकी एज। एज अगर 35+ है तो 50,000 का दूल्हा मिलेगा, और अगर एज 25 के नीचे है तो दूल्हे की प्राइस होगी 2 से 3 लाख रुपए। नाउ ऑब्वियसली आपको सवाल यह आया होगा कि ये सब चल क्यों रहा है, इनको आम तरीकों से शादी करने को नहीं मिल रहा है क्या? सो एक्चुअली ना, ये सारे मार्केट्स के रीजंस काफी अलग अलग है। अगर हम बात करें बिहार के ग्रूम मैरिजेस मार्केट की, तो ये तो उनकी एक 700 साल पुरानी प्रथा है जो लागू की गई थी जब उस इलाके में कन्ना डायनेस्टी के महाराजा हरि सिंह जी का रूल था। उन्होंने ही ये दूल्हा बेचने की प्रथा चालू की थी, लेकिन उसके पीछे दो रीजन थे। एक इसीलिए ताकि उनके राज्य में इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट हो सके, जिससे वहां पर कोई क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, और दूसरी उनके राज्य में डाउरी का जो ट्रेडिशन था वो खत्म हो सके। यानी कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तो एक नेक काम के लिए ही हुई थी, लेकिन आज ये अनफॉर्चुनेटली ग्रूम मार्केट्स में तब्दील हो गया है। अब अगर ब्राइड मार्केट्स की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा के रीजंस काफी ऑब्वियस हैं। इन स्टेट्स में सबसे मेजर इशू है यहाँ का सेक्स रेशियो। इन राज्यों में शादी करने के लिए लड़कियां ही काफी कम है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम को ये रीजन इतना सफिशिएंट नहीं लगा, तो उन्होंने इसके रूट कॉज को जानने के लिए वहां के गांव वालों से सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में उन्हें वाकई काफी शॉकिंग आंसर्स मिले। सो गांव वालों ने इन्हें बताया कि एक तो राज्य में ऑलरेडी लड़कियां काफी कम है, लेकिन उसके ऊपर से अगर कोई किसान बहुत ज्यादा गरीब होता है तो ऐसे किसानों को कोई लड़कियां देना भी नहीं चाहता, इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दुल्हन खरीद के लेकर आने का। लेकिन एक दूसरे फार्मर ने तो इन खरीदी हुई दुल्हन के 4 फायदे गिना दिए। पहला, खरीद के दुल्हन सस्ते में कुछ 4-5 हजार में मिल जाती है, यानी शादी का कोई खर्चा नहीं। दूसरा, अगर घर में दो भाई हो तो एक ही दुल्हन से दोनों का काम हो जाता है, यानी कई घरों में एक ही लड़की के साथ दोनों भी भाई सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं। और तीसरा, किसी एक भी भाई से अगर उसे लड़का हुआ तो उनके खानदान को एक वारिस मिल सकता है। और आखिरी फायदा, ये सब कुछ होने के बाद वो लोग इस खरीदी हुई दुल्हन को मार्केट में फिर से बेच सकते हैं, यानी कि खरीदी हुई दुल्हन इन किसानों के लिए बस एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है, दैट्स इट। अब अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें, जहां उन लड़कियों के पेरेंट्स ही खुद दुल्हन को बेचते हैं, तो वहां पर तो लड़की बेचना ये प्योरली काफी कम्युनिटीज की प्रथा है। जैसे मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र में ये ब्राइड मार्केट्स हर साल लगता है, जिसमें खुद उस लड़की के बाप और उसका भाई अपनी बेटी की नीलामी करते हैं सिर्फ एक प्रथा के नाम पे। अब जब हमने इस पर रिसर्च किया तो हमें ये प्रथा के कोई ओरिजिन की स्टोरीज तो नहीं मिले, लेकिन आई एम श्योर चांसेस है काफी हाई कि इस ट्रेडिशन की शुरुआत एक अच्छे मकसद के लिए ही होगी, लेकिन आज ये एक कुप्रथा बन चुकी है। क्योंकि आज चाहे इन ब्राइड मार्केट से ब्राइड को खरीद कर जितने भी लोग इस मैरिज को एक हैप्पी मैरिज बता रहे हो, जैसे राजस्थान का ये कपल जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से काफी खुश है और आज उनको एक बेटा भी है, लेकिन ये उन गिने चुने हैप्पी मैरिजेस में से एक केस होगा, बाकी सारे केसेस में ये सिर्फ एक बिजनेस बन चुका है। कई घरों में ऐसे देखने मिला है कि माँ बाप जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि अगर लड़की हो तो वो उसका व्यापार कर सके। कई घरों में ऐसा भी देखने मिल रहा है कि माँ बाप अपने बेटों की शादी करवाने के लिए अपनी लड़कियों को भाड़े पर बार बार बेच रहे हैं, ताकि उस पैसे से वो अपने बेटे के लिए
एक अच्छी दुल्हन खरीद सके। ऐसे केसेस में ना परिवार में जितने भी बेटे होते हैं उस लड़की को उतने बार बेचा जाता है। ऑल्सो इन सारे केसेस में एशियन टाइम्स ने यह भी पाया कि क्योंकि अक्सर जो पैसे डिसाइड होते हैं, कीमत डिसाइड होती है, वो लड़की की सुंदरता और उसकी वर्जिनिटी के हिसाब से होती है। तो ताकि इन्हें बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके, इसलिए खुद लड़कियों की फैमिली उन्हें ड्रग्स देती है ताकि वो सुंदर हो, उनका ब्रेस्ट साइज बढ़े और वो नाबालिग होने के बावजूद भी बड़ी लड़की लग सके। और ये सब के बाद जब वो लड़की फिजिकली और मेंटली टूट जाती है, बीमार पड़ जाती है, तब कोई भी उसकी देखभाल नहीं करना चाहता, ना उसके पेरेंट्स और ऑब्वियसली उसका पति तो बिल्कुल भी नहीं। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि हमारी गवर्नमेंट इस पर चुप क्यों बैठी है, क्योंकि ये तो सरासर क्राइम है ना, अंडर आर्टिकल 23 एंड अंडर द इमोरल ट्रैफिक एक्ट। सो इसका सिंपल आंसर है, इंडिया में एक बालिक लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और इनके कंसेंट पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। बस इसी राइट को ये जो मार्केट्स होते हैं ना, वो एज अ लूप होल यूज कर लेते हैं। राजस्थान के एक ब्रोकर ने खुद एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि भले ही इन मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रहा हो, पर दोनों भी पार्टीज के कंसेंट होने की वजह से इस पे कोई लीगल एक्शन लिया ही नहीं जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए खुद एक लोकल पुलिस ऑफिसर ने भी कहा कि ये दुल्हन खरीदना काफी कॉमन है हमारे यहाँ पे, सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आती है। एंड एज वी नो, नो कंप्लेंट मींस नो लीगल एक्शन। अरे पुलिस छोड़ दो, पॉलिटिकल पार्टीज को तक ये पता है, वो तो उल्टा इसे इलेक्शन कैंपेन्स में यूज कर रहे हैं। हरियाणा में तो कुछ युवाओं ने एक संगठन ही बना दिया है जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के सामने अल्टीमेटम रख दिया है, बहू लाओ वोट लेकर जाओ। उसी हरियाणा में 2019 में एक सीएम ने एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी पास कर दिया था। उन्होंने बोला था कि अब जब आर्टिकल 370 हट चुका है तो अब हम आपके लिए कश्मीर से दुल्हन लेकर आएंगे। सो डेफिनेटली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज खुद सरकार ही ऐसे स्टेटमेंट दे रही है, जबकि इन्हें तो ऐसे प्रैक्टिसेस को बैन करना चाहिए। लेकिन यार वो ब्राइड्स जिनके साथ ये हो रहा है, वो आवाज क्यों नहीं उठा रही है? ड्रग्स देकर उनकी बॉडी के साथ हो रहे खिलवाड़ और पैसों के लिए बिकने को वो कंसेंट कैसे दे रही है, हाँ कैसे बोल रही है? सो ऑन पेपर होना हो, हमारी नजर में इसके पीछे मेन रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन, जिसके वजह से इन लड़कियों को गुमराह किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके ज्यादा से ज्यादा पैसों में बिकने को ग्लोरीफाई किया जाता है और लड़कियों को बताया जाता है कि वो बिक नहीं रही है, उनकी तो शादी हो रही है, वो तो सिर्फ अपने परिवार की मदद कर रही है। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है? वेल, लड़कियों के लैक ऑफ एजुकेशन को खत्म करने के लिए जितने स्टेप्स लेना जरूरी है, जितना लॉ के लूप होल पे वर्क करना जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट का इन सो कॉल्ड ट्रेडिशंस पे क्रिमिनलाइजिंग लॉज बनाना, इन मार्केट्स पर एक्शन लेना जिससे ट्रेडिशन के नाम पर हो रहे क्राइम्स पर फुल स्टॉप लग सके। आप देखोगे ना, भारत पर इस पे इतना बात नहीं हो रहा है क्योंकि ये कोई ट्रेंडिंग हॉट इशू नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा व्यूज ले सके। सरकारें भी इस पे चुप है क्योंकि ये कोई वोट बैंक का मुद्दा नहीं है। इंडिया में ना ये प्रैक्टिस कोई आजकल की बात नहीं है, ये तो सालों से होता आ रहा है। कई सरकारें आई है और गई है, लेकिन आज तक इस मुद्दे पर किसी ने भी कोई खास एक्शन नहीं लिया है। आखिर ऐसे क्यों? क्या वोट बैंक इनके लिए इन बच्चियों की जान से ज्यादा जरूरी है? और अगर हाँ, तो इन नेताओं की इसी सोच को हमें बदलना होगा, हमें उन्हें इस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर करना होगा, हमें इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना होगा। इसीलिए इस वीडियो से हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे पर अवेयर हो सके और सवाल उठाएं इन राज्यों की प्रशासन से भी और सरकार से भी। बस इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, क्योंकि आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा। ऑल्सो काफी लोग ये भी नहीं जानते हैं कि आजकल पॉलीगामी यानी एक से ज्यादा लड़कियों से शादी करना इंडिया में काफी नॉर्मलाइज होते जा रहा है। ऐसे कई सारे केसेस मिले हैं जहां पर हिंदू फैमिलीज में पॉलीगामस मैरिजेस हुए हैं, और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पॉलीगामी को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इस पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले अगर आप अपने बच्चों को टीवी स्क्रीन से दूर रखना चाहते हो और उन्हें कुछ सिखाते हुए एंटरटेन भी रखना चाहते हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किडेल के ये म्यूजिकल बुक्स खरीदो। आप www.kidel123.com पर जाके इन्हें खरीद सकते हो, और अगर आप NT15 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जय हिंद।